यहाँ पे मेरा सब कुछ लग चुका है, साग पे भी मेरा एकदम परफेक्ट लग गया और इधर भी बहुत अच्छे से लग गया है। यहाँ इतना हार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या शेप आई है, एकदम बेहतरीन। और हाइलाइटर ने बहुत ही प्यारा रिजल्ट दिया है, साइड में से बिल्कुल लगी भी नहीं है। बिना मतलब क्यू टिप लाओ फिर मुंह में लगाओ इसको, फिर इतना अच्छा हैक नहीं है ये। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग्स, और मैं हूं इकरा। सो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूं एंड बहुत हैप्पी हूं। आज मैं ट्राई करने वाली हूं वायरल मेकअप हैक्स, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हैक्स को ट्राई करने के लिए, और बहुत ज्यादा हैप्पी भी हूँ। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और मैं फुल फेस मेकअप करूंगी आज, और बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बहुत खुश हुई हूँ इन हैक्स को ट्राई करने के लिए। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हैक नंबर वन से, और सबसे पहला जो हमारा हैक होने वाला है वो है आईब्रो। सो जितने भी मैं हैक ट्राई करूंगी सो सारे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हैक, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, इन्होंने सबसे पहले लिए टेप, एंड टेप से इन्होंने अपने आईब्रो पे लगा ली है, और इन्होंने कलर लिया है आईब्रो का, और इस पे इन्होंने डैब 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 किया ब्लेंडर से, और आईब्रो क्या बेहतरीन बन चुकी है। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना हैक। तो गाइज, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए टेप, और मैंने टेप ले ली है, और भाई छूट जाई, छूटती नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेप छूटती नहीं है, मेरे साथ तो बहुत होता है। सो अब मैं ना इसको लगाती हूँ, देती हूँ शेप इसे अच्छे से, और देखो कैसा होता है। फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे मेरी टेप लग चुकी है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और गाइस, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे घर के बाहर थोड़ा काम चल रहा है इस वजह से। सो मैं अब यहाँ पे ना आईब्रो अपनी फिल करूंगी। सो उसके लिए हमें चाहिए क्या, ब्लेंडर। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, क्या नहीं, फेल होता है पास होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, आपकी का ब्लेंडर गंदा हो गया, वो मुझे तोड़ेगी, ये देखो अच्छे से रख के मुझे मेरा कचुंबर निकाल देगी, और ये देखो क्या रिजल्ट होता है गाइस। सो गाइस, यहाँ मेरी आईब्रोज फिल हो चुकी है, और मैं यहाँ पे अब टेप रिमूव करती हूँ और देखती हूँ क्या रिजल्ट आया है। ओ, मुझे डर लग रहा है, तो आंखें बंद कर लो इकरा, दिखे ना फिर मुझे। आप सबको दिख रहा होगा, मुझे बताते रहना। मैं नहीं देख रही, मुझे डर लग रहा है, बता दी कैसा हुआ होगा कैसा नहीं। ओह माय गॉड, सच में, अरे भाई ये तो वाकई क्या यार, क्यों सच में यार, क्या ब्लेड हुआ है, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, बेस्ट हैक है ये तो, बेस्ट एकदम यार। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, और मैं इस हैक को दूंगी 10 out of 10, बिकॉज इसने वर्क इतना बेहतरीन करा है ना यार, कसम से मस्त एकदम जबरदस्त। सो गाइस, नेक्स्ट हैक जो है हमारा वो है बेस हैक, और मैंने ना पहली मॉइस्चराइजर यूज कर लेते बिकॉज विंटर्स चल रहे हैं ना, तो थोड़ा स्किन ड्राई होती है इस वजह से। सो गाइस, इन्होंने बेस के लिए लिया है कॉन्टोर, ब्लश, फाउंडेशन एंड कंसीलर लिया है, और इन्होंने ब्लेंड कर दिया, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो चलिए अपना सेकंड हैक की तैयारी करते हैं।
चुका है। और मैं फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ वरना ये सूख जाएगा और ब्लेंड भी नहीं होगा। इसने मेरा फेस बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राइट कर दिया, इतना प्यार लग रहा है, कॉन्टोर भी दिख रहा है, ब्लश भी दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरा फेस कैसा था और अब मेरा फेस कैसा है और कितना अच्छा लग रहा है, कैमरे पे भी दिख रहा होगा कितना स्मूथ लग रहा है और बहुत ही अच्छा। और ये हैक भी बहुत ही बेहतरीन है, मैं इस हैक को भी 10/10 देना चाहूंगी क्योंकि ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा वर्क करेगा बट इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तो गाइस थर्ड हैक जो है हमारा वो है आई शेडो हैक, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के आई शेडो यूज किए हैं। चाहे आप डार्क टू लाइट कर सकते हो, लाइट टू डार्क कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं कि ये आई शेडो वाला हैक ये काम करता है या नहीं करता। देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक सा लग रहा है, तो हम भी ट्राई करते हैं कि ये रियल में वर्क करा है नहीं करा। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। मुझे तो मज़ा आ रहा है ये सारे हैक ट्राई करने में, क्योंकि जितने मैंने अभी दोनों हैक ट्राई किए इन्होंने वर्क किया है, और देखते ये करता ही नहीं करता। ये देखो गाइस इस आँख पे भी मेरा एकदम परफेक्ट लग गया और इधर भी बहुत अच्छे से लग गया है। और मैं भी शॉपिंग की ना पैलेट पूरी मतलब ऐसी हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो इसका ये कलर देखो सारे। अब ये आपकी घर पे नहीं है, जब वो घर पे आएगी वो सब ये देखेगी तो मुझे अच्छे से तोड़ेगी रख के। तो चलो फटाफट से अपना ये प्लेन करते हैं। मुझे डर लगता है यार खराब ना हो जाए, तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से ये हो जाए तो डर लगता है। ब्लेंड तो काफी अच्छे से हो गया गाइस, पता है रियल में दिख रहा है, कैमरे पे इतना नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़ा कलर का भी फर्क होता है ना, इस वजह से। और मैंने ड्रेस के हिसाब से अपना कलर लिया है और ये हल्का फुल्का सा नीचे ऊपर आ गया तो इसको तो मैं साफ कर लूंगी। तो मैं इस हैक को देना चाहूंगी 9/10 बिकॉज तो वैसे नॉर्मल में भी वैसे जैसे आई शेडो यूज करते हैं वैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है अच्छा वर्क नहीं किया करा है, बट इतना हार्ड क्यों करना है यार, जब सिंपल सादा आई शेडो उठा के लगा लेते हैं यार, इतना हार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हैक अच्छा है, ट्राई करके देखना आप सब भी। और गाइस नेक्स्ट हैक है हमारा आईलाइनर हैक, और आपने ये आईलाइनर हैक बहुत जगह देखा होगा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत देखा होगा। ये हैक बहुत ज्यादा चल रहा है। इन्होंने लिया मेडिसिन पाउच और साइड में से इन्होंने काट दिया और ईयरबड्स लिया, उस पर ऐसे गम से चिपका दिया, आईलाइनर लगा दिया और इन्होंने अपने आईज पे लगाया है तो बिल्कुल क्या विंग बना है। तो चलिए करते हैं ट्राई, शेप दे के काटना पड़ेगा ध्यान से बहुत। तो गाइज यहाँ मेरा विंग रेडी हो चुका है, अब हम इस पे लगाएंगे लाइनर, फिर उसके बाद अपनी आईज पे लगाएंगे। और यहाँ पे लग गया मेरा लाइनर और देखो कैसा लगता है। मैं बात नहीं करूंगी अब, मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपने लगाने पे फोकस करना है, ये इधर उधर हल्का सा भी हो गया ना तो पूरा बेकार हो जाएगा। वाह 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 यार देखो क्या शेप आई है, एकदम बेहतरीन। वाह देखो 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 यार कितनी अच्छी शेप आई है ना, एकदम मस्त शेप आई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस दूसरी आईज के लिए ना मुझे दूसरी शेप देनी पड़ेगी, बड़ी दुख की बात है क्योंकि ये ऐसे तो लग गई इधर वाली पे, अभी यहाँ पे नहीं लग पाएगा ना इस वजह से। तो चलिए अब अपना सेकंड लगाते हैं, मैंने विंग चेंज किया है।
सा ना शेप अप डाउन आ गए हैं यार। अब मैं बिल्कुल लाइनर ठीक कर लेती हूँ, तो हमारा बीन था, मैं बिल्कुल लाइनर परफेक्ट करके बना लेती हूँ। मेरा लाइनर लग चुका है और वाओ यार क्या वर्क किया है ना इस लाइनर वाले हैक ने। बस थोड़ा सा ना विंक अप डाउन हो गया, एकदम परफेक्ट लगा है। ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा, बट अजीब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये हैक। बट एक बात और है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इस हैक में, विंक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा काटने में ना गलती हो जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा छोटा ना हो जाए, आइस के बराबर रहे। और अगर इस साइज का राइट का करा है, लेफ्ट का करा है, तो दोनों का चेंज करना पड़ेगा हमें विंग। और काफी अच्छा लगा है, बट मैं इस हैक को 9/10 देना चाहूंगी, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। इतनी मेहनत करेंगे लाइनर में तो क्या फायदा यार। बट हाँ, अच्छा वर्क किया है बहुत ज्यादा। बट आप जब घर में खाली बैठे टाइम पास कर रहे हो ना, तो एक बार ट्राई जरूर करके देखना, मस्त मजा आ जाएगा। सो गाइज, मस्कारा और काजल के लिए मेरे पास कोई हैक नहीं है, तो मैं मस्कारा और काजल लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, यहाँ मैंने काजल मस्कारा अप्लाई कर लिया है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार लुक। आईज बहुत प्यारी लग रही है मुझे अपनी। और नेक्स्ट हैक है हमारा हाईलाइटर, और हाईलाइटर के लिए इन्होंने हाईलाइट्स पॉइंट पे अपना हाईलाइटर लगा लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और मैं भी इसी तरीके से लगाऊंगी, देखते हैं ये वाला वर्क करता है नहीं करता। अच्छा ब्लेंड हुआ है, अच्छा वर्क किया है इन्होंने, बट अपने चीक पे नहीं लगाया था, तो मैं अपने चीक पे भी लगाऊंगी। तो गाइस, मेरा हाइलाइटर ब्लेंड हो चुका है और हाइलाइटर ने बहुत ही प्यारा रिजल्ट दिया है। मेरा फेस कितना ब्राइट अप हो चुका है एकदम हाइलाइटर से यार, कितना प्यारा, चिक कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरी आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। वाह यार, रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, मैंने सोचा नहीं था कि ये वर्क इतना अच्छा करेगा हाइलाइटर का, और बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे अपना फेस। और मैं इस हाइलाइटर वाले हैक को 10/10 देना चाहूंगी, बिकॉज इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। मेरा फेस रियल में बहुत 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 प्यारा लग रहा है, जितना कैमरे पर लग रहा है उससे ज्यादा तो रियल में बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट हैक के लिए हमें चाहिए क्यू टिप, और इन्होंने क्यू टिप लेके लिपस्टिक अप्लाई करी है, ऐसे करके इन्होंने क्यू टिप लगा ली और बहुत अच्छे से इनकी लिपस्टिक लग गई है। और हम भी ट्राई करेंगे, देखते हैं हमारी लगती है या नहीं लगती। तो गाइस, मेरी लिपस्टिक अप्लाई हो चुकी है, और क्यू टिप की वजह से ना मेरी लिपस्टिक यहाँ से थोड़ी सी फैल गई, और देखो साइड में से बिल्कुल लगी भी नहीं है, बस जहां जहां क्यू टिप आती है बस इतने से एरिया में लगी है। सबसे पहले तो मैं इस लिपस्टिक को पहले ठीक करती हूँ और अच्छे से शेप देती हूँ। तो गाइज, यहाँ हमारा लास्ट हैक भी कंप्लीट हो चुका है, पूरी लिपस्टिक मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से लगा ली है, और मैं इस हैक को ना 8/10 देना चाहूंगी, बिकॉज इससे अच्छा हाथ से अप्लाई कर लो यार, अच्छे से हो जाती है बिना मतलब क्यू टिप लाओ, फिर मुंह में लगाओ इसको, फिर लिपस्टिक लगाओ यार, इससे अच्छा, और वो भी साइड में लगता नहीं है, इससे अच्छा तो यार अपने हाथ से ही लगा लो ना नॉर्मल से, तो 8/10 ही अच्छे हैं इसके लिए, इतना अच्छा हैक नहीं है ये। बाय द वे गाइस, मैंने अपने टॉप्स वेयर किए हैं क्योंकि मुझे अपना फेस बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था, मैं भूल गई थी इसे पहनना, तो मैंने सोचा चलो एंड में पहन लेती हूँ। तो गाइस, वैसे तो मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा फेस एकदम, मुझे कसम से यकीन नहीं हो रहा था कि ये हैक इतने अच्छे वर्क करेंगे, इतना अच्छा सा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और गाइस, जब आपके पास खाली टाइम हो तब इन्हें जरूर ट्राई करना, बिकॉज ये खाली टाइम के ही यूज करने के हैं। वैसे बहुत अच्छा वर्क किया है, मैं तो ज्यादा आपको बोलूं तो आप सबसे पहले तो यार ये आईब्रो वाला हैक जरूर 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 करना, क्योंकि ये आईब्रो इतनी बेस्ट हुई है ना, एकदम बेहतरीन। और लाइनर भी बहुत अच्छा वर्क किया है उसने भी, बस थोड़ा सा तो अप डाउन हो ही जाता है, बट बहुत अच्छा वर्क किया है,
मेरे बेस ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा वर्क किया है। हाईलाइटर ने, सबने बहुत अच्छा वर्क किया। बस थोड़ा बहुत तो हर चीज में कमी होती है ना, बट बहुत अच्छा वर्क किया है। मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज प्लीज लाइक कर दिया करो मेरी वीडियोस को। आप लाइक नहीं करते हो, देखते हो, प्यार भी देते हो, बट लाइक करना भूल जाते हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, एंड लव यू ऑल।